जिस सांसद के बारे में आप बात कर रहे हैं वो तो मैगी मैन से फेमस है कि कैसे एक लड़की ने मीडिया के सामने आकर आप बीती सुनाई दिल्ली के एक थाने में। उसका FIR नहीं लिखा जा रहा था, हाई कोर्ट के निर्देश पे FIR लिखा है। बर्तन मांजते थे उसके घर में, बहला फुसला कर न जाने क्या किए। और कोई भी साधारण और सभ्य परिवार इनको अपने घर में घुसने देगा? जिसका चरित्र चाल चरित्र ऐसा हो कि घुस के किसी की बहन बहन बेटी पर गलत नियत डाल दे। एक सांसद समाज में आदर्श को स्थापित करता है, इनमें तो ऐसा कुछ है नहीं। भड़काऊ भाषण क्या होता है? मतलब हम अपनी बीबीती नहीं सुनाएंगे? 12 जनपद हमसे खाली करवाए आप, हमारे पार्टी को तोड़ दिया आपने, षड्यंत्र पे षड्यंत्र आप लोग कर रहे हैं, तो मतलब अब आप हमसे सब कुछ छीन लीजिएगा और हमको रोने भी नहीं दीजिएगा। अब जनता, बिहार की जनता आपको नकार दी है, तो मीडिया के सामने आप जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं उससे दलित समाज में कोई भी मैसेज जाने वाला नहीं है। आपका जमीन खिसक चुका है। देखिए, भाजपा और जदयू के सरकार में ही तो सबसे ज्यादा राजपूतों पे अत्याचार हुआ है। देश के गृह मंत्री आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर जगदीशपुर आएंगे और जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह को याद किया जाएगा आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर। बाबू कुंवर सिंह जिनके प्रपोत्र की पिछले दिनों पुलिस के द्वारा हत्या कर दी गई थी तथा कथित रूप से आरोप लग रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से कहीं ना कहीं बिहार में एक जाति विशेष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। चंदन सिंह हैं, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता। चंदन जी, एक तरफ तो बाबू कुंवर सिंह के परिवार पर यातनाएं हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनको याद किया जा रहा है, 75,000 झंडे फहराए जाएंगे। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में पिछले 16 साल में जितना राजपूत समुदाय पर आक्रमण हुआ है और अत्याचार हुआ है, अभी आपको ध्यान होगा कि 6 सदस्यों का एक ही परिवार के लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बाबू वीर कुंवर सिंह को कौन नहीं जानता है, देश की आज़ादी में उनकी क्या भूमिका थी, अंग्रेज़ों से किस तरीके से लोहा लिया था उन्होंने, 80 बरिस के जवानी पर कितने किताबें लिखी गई हैं। उन्हीं के परपौत्र की निर्मम हत्या पुलिस की पिटाई से हो जाती है और यह सरकार न्याय नहीं दे पाती है। तो अब एक राजनीतिक रूप से वहाँ लोग अब जगदीशपुर में कोई सभा कर रहे हैं, अच्छी बात है, सभा करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ वोट ही नहीं, इस समुदाय के साथ, चूँकि राजपूत जो होता है वो शौर्य का प्रतीक होता है, तो इस समुदाय के साथ न्याय भी करना चाहिए। वोट की राजनीति बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली है और किसी की, राजपूत समुदाय किसी का बंधुआ भी नहीं है, तो जब चाहे तब खिसक सकते। भाजपा के कोर वोटर हैं आप लोग, भाजपा भी सरकार में है, बराबर की सहभागिता है सरकार। देखिए, भाजपा और जदयू के सरकार में ही तो सबसे ज़्यादा राजपूतों पे अत्याचार हुआ है, कहाँ राजपूतों को न्याय मिला, ना सरकारी नौकरी में है, ना सामाजिक स्तर पे सुरक्षित है, आपके प्रशासनिक अधिकारी आए दिन राजपूतों को तंग कर रहे हैं, तो रहना तो मुश्किल हो गया। बाबू वीर कुंवर सिंह के परपौत्र का तो जीवित उदाहरण है कि पुलिस के द्वारा पीट पीट कर हत्या हो जाती है, उसके बाद में तो आप किसी को सस्पेंड करें उसे क्या हो जाता है? जो पुलिस अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनको फांसी पर क्यों नहीं चढ़ाते हैं आप? चढ़ाइए फांसी पर। किस मुंह से आप जगदीशपुर में आप लोग सभा कर रहे हैं? बिहार और बिहार से बाहर लोग को फाड़ा पे ढो के वहाँ पहुँचा दीजिए, क्या हो जाएगा उससे? समाज सब देख रहा है। अच्छा, आपके पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर जो झगड़ा है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। पशुपति पारस, अब तो प्रिंस पासवान भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चिराग पासवान ऐसे करते थे, पशुपति पारस को ऐसे बोलते थे, ये तमाम चीज़ें वो कर रहे। देखिए, कुछ समय पहले तो मैंने देखा कि कैसे एक लड़की ने मीडिया के सामने आकर आप बीती सुनाई दिल्ली के एक थाने में। उसका FIR नहीं लिखा जा रहा था, हाई कोर्ट के निर्देश पे FIR लिखाया। तो जिस सांसद के बारे में आप बात कर रहे हैं वो तो मैगी मैन से फेमस हैं। बर्तन मांजते थे उसके घर में, बहला फुसला कर न जाने क्या किए। बचाव तो आप ही लोगों ने किया, चिराग पासवान ने भाई का बचाव किया।
कभी नहीं गलत चीज का बचाव ना हमारे नेता ने किया ना हम लोगों ने किया। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने पहले दिन से ही जब यह मामला उनके संज्ञान में आया उन्होंने कहा कि जाके FIR आप लोग कीजिए और कोर्ट तय करेगा कि दोषी कौन है। बहुत सारी बातें हैं ये तो पब्लिक डोमेन में है लेकिन मैगी मैन से फेमस हैं और कोई भी साधारण और सभ्य परिवार इनको अपने घर में घुसने देगा? जिसका चरित्र चाल चरित्र ऐसा हो कि घुस के किसी की बहन बहन बेटी पर गलत नियत डाल दे तो हम लोग तो कुछ कहना नहीं चाहते हैं। तो वैसे वैसे लोग अगर अगर संस्कार और किसी पे टीका टिप्पणी अगर करते हैं तो शोभा नहीं देता है। पहले अपने चरित्र को बनाइए और एक समाज में देखिए एक सांसद समाज में आदर्श को स्थापित करता है। इनमें तो ऐसा कुछ है नहीं। ये मैगी बनाते थे चाचा की हत्या की साजिश का भी आरोप लगाया आप पर। देखिए दलित समाज जो है वह आदरणीय चिराग पासवान जी को अपना नेता स्वीकार कर लिया है। बाबा चौहरमल में जिस तरीके से आपने देखा कि गर्मजोशी से उनकी स्वागत हुई वो हमने भी देखा। सवाल ये है कि मंच से चिराग पासवान का भड़काऊ भाषण और उसी भाषण के बाद पशुपति पारस पर हमला होना कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने क्या भड़काऊ भाषण में क्या होता है? भड़काऊ भाषण क्या होता है मतलब हम अपनी विवृति नहीं सुनाएंगे? 12 जनपद हमसे खाली करवाए आप, हमारे पार्टी को तोड़ दिया आपने, षड्यंत्र पे षड्यंत्र आप लोग कर रहे हैं तो मतलब अब आप हमसे सब कुछ छीन लीजिएगा और हमको रोने भी नहीं दीजिएगा? हम तो जनता से अपना बात कहेंगे ना, जो मेरे साथ घटना हुई वो बात हम कहेंगे। अब जनता बिहार की जनता आपको नकार दी है तो मीडिया के सामने आप जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं उससे दलित समाज में कोई भी मैसेज जाने वाला नहीं है। आपका जमीन खिसक चुका है। ये पंचायत के चुनाव में भी नहीं वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं और दलित समाज पे इनका पकड़ नहीं है। ये परजीवी नेता हैं, दूसरे का खून चूस के राजनीति करते हैं। अपनी कोई विचारधारा नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। तो कोई विचारधारा होनी चाहिए ना राजनीति में। पशुपति कुमार पारस जी ऋण विहीन नेता हैं। हाजीपुर के जनादेश को अपमान कर रहे हैं। हाजीपुर में अभी जीते हैं चाचा? नहीं, हाजीपुर में ये नहीं जीते हैं। हाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के जो जो मतलब पैरासूट कैंडिडेट थे जो इनके तरफ से लड़े हैं वो जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के हाँ, आप हमको बता दीजिए। अगर इतिहास अगर आप बता दीजिएगा उनका तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप लोक जनशक्ति पार्टी का आप हमको बता दीजिए। मैं फाउंडर मेंबर में से हूँ, पूछ लीजिएगा आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से। तो इतिहास भारतीय जनता पार्टी के किस नेता का है वो भी समय आने पर मैं आपको बता दूंगा। चंदन सिंह थे जिन्होंने चाचा पशुपति पारस के तमाम आरोपों का जवाब दिया है और खासकर बाबू कुंवर सिंह की जयंती मनाई जा रही है वहीं दूसरी तरफ उनके प्रपौत्र की हत्या हो जाती है और पुलिस के द्वारा कराई जाती है कर दी जाती है तथाकथित रूप से ये आरोप लगते हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम को मनाया जाना कहां तक सही है? फिलहाल के लिए इस खबर में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।